वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिवीजन ऑफ लेबर के समय जब उन्होंने लिखा तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन प्रिविलेंट थी उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली बता देती हूँ जब दरखाइम लिख रहे थे तो वो जानना चाहते थे कि जो इंटीग्रेशन है और जो सॉलिडारिटी मॉडर्न सोसाइटीज में हो रही है उसके पीछे क्या फोर्सेज है जैसे पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक चेंजेस जो आ रहे हैं उनके वजह से और सोशल डिफ्रेंसिएशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे जो पुअर और रिच हैं अर्बन और रूरल हैं रिलीजियस और सेकुलराइज के बीच का जो डिफरेंस है ये सब चीजें वहां पर क्लियरली डिफाइन नहीं की जा रही थी इससे क्या हुआ कि जो डिसअपेरेंस था ओल्ड प्रिंसिपल का वो होता चला गया और सोशल कोहिजन जो था वो वीक होता चला गया इसका कॉन्सिक्वेंस हमें ये देखने को मिला कि जो सुसाइड रेट था और जो क्राइम रेट था वो बढ़ता चला गया ने अपनी एंटायर करियर को सिर्फ इस क्वेश्चन को पूछने में भी कहीं ना कहीं कही निकाला है कि सोशल का बेस क्या था मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटीज में या मॉडर्न अब हम अगर किसी टॉपिक पर को पढ़ते हैं तो हमें उसको एक आम भाषा में जानना जरूरी होता है जैसे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है या श्रम का विभाजन क्या होता है श्रम का विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स टास्क में बांट दिया जाए मेंबर्स, और अगर हम उस टास्क को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें स्पेशलाइजेशन उस टास्क में मिलेगी उनके डिवीजन ऑफ लेबर जो उनका वर्क था उसमें उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो यूरोप में ग्रो कर रही थी राइज हो रहा था उसके बहुत डायमेंशन थे, थे उनको पढ़ने की बात की है बट ही डिड दिस इन अ प्योरली स्पेक्यूलेटिव मैनर स्पेकुलेटिव अनप्रूवन आइडियाज और चांसेस जिनको प्रूव नहीं किया गया है ही वॉज ओनली गाइडेड बाई डिडक्टिव लॉजिक

ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन आया है कि एडम स्मिथ और रिकार्डो में से पहले किसने या दुर्खाइम में से तीनों में से ऑप्शन में सबसे पहले किसने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है तो ऑप्शन में अगर तीनों होंगे तो हम आंसर टिक करेंगे एडम स्मिथ अगर एडम स्मिथ नहीं है तो रिकार्डो रिकार्डो भी अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब हम लोग आंसर टिक करेंगे एमिल दुर्खाइम एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बोलते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज ड्यू टू इंक्रीजिंग डिविजन ऑफ लेबर यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं डिविजन ऑफ लेबर के कारण बढ़ रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एफिशियंट एज मशीन्स आर पावर्ड नॉट बाय मस्कुलर एनर्जी इंडस्ट्रियल में जो इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है क्यों क्योंकि अब हमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि मशीन्स की जरूरत पड़ती है और मशीन्स जो काम करेंगी उसमें एनर्जी इंसान के मुकाबले ज़्यादा फास्ट वे में करेंगी इसीलिए उन्होंने पाया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था उस समय मशीन्स का यूज़ करके एफिशियंटली काम किया जा रहा था अब हम देखते हैं कि डिविजन ऑफ लेबर को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया फर्स्ट वन इज सिंपल सोसाइटी सेकेंड वन इज एन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी अब हम देख सिंपल सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी और ऑर्गेनिक सोलिडरिटी थी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में इनका डिस्कशन इनमें जो डिफरेंस था वो देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे देखें तो सिंपल सोसाइटी या मैकेनिकल िटी होता है जहां पर सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर हो यानी कि डोमिनेंस ऑफ किन जहां पर जो परिवार है रिश्ते हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की या ऑर्गेनिक सोलिडारिटी की

कानून किस प्रकार का काला पानी की सजा या उनकी आंखें तक निकाल ली जाती थी लेकिन वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑर्गेनिक सोलिडरिटी या मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो रेस्टिट्यूटिव लॉज है हम लोगों को मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का नेक्स्ट पॉइंट इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन अगर इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन की बात करें तो सिंपल या प्रमिटिव सोसाइटी में हाई इंटीग्रेशन और रेगुलेशन था वहीं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में लो इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन था अगर हम सुइसाइड की बात करें कि किस सोसाइटी में कौन सी तरीके की सुइसाइड की जाती थी मैं अपकमिंग वीडियोज में आपको सुइसाइड के बारे में डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगी सुसाइड अगर हम देखें तो यानी कि हाई इंटीग्रेशन होता है वो सुसाइड होती है और फेटलिस्टिक होती है जिसमें हाई रेगुलेशन हो और ये दोनों किसमें की जाएंगी सिंपल सोसाइटी में हमें एल्ट्रोइस्टिक और फेटलिस्टिक जो सुसाइड है वो देखने को मिलती है सिंपल सोसाइटीज में वहीं अगर हम देखें मॉडर्न सोसाइटीज या कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में तो इगोइस्टिक या एनोमिक सोसाइट हमें देखने को मिलती है आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने बहुत जरूरी हैं क्योंकि काफी बार एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं कि रिप्रेसिव लॉज जो हैं किस सोसाइटी का फीचर है या रिस्टिट्यूटिव लॉ है किस सोसाइटी का फीचर है या फिर आपको ये सारे पॉइंट्स मैंशन कर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सी सोसाइटी का फीचर है या कौन सी सॉलिडेरिटी का फीचर है Next is causes, क्या है है के? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कि जो जो हैं वो बोलते हैं कि जो division of है, वो बोलते हुआ था सिंपल सोसाइटी में ड्यू टू थ्री मेन रीजन या थ्री सोशल फैक्ट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकल है मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है द शेप एंड फॉर्म ऑफ लैंड फीचर्स पहला था वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन जो थी बढ़ती जा रही थी पहले के टाइम पे हम देखते हैं कि लैंड ज़्यादा थी और लोग कम थे इसीलिए हम लोग डिस्पोर्स सेटलमेंट कहते हैं कि कोई इधर रह रहा है कोई इधर रह रहा है कोई इधर रह रहा है लेकिन अब धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो कॉन्सनट्रेटेड सेटलमेंट आ गई जहाँ पे पॉपुलेशन जो थी वो कॉन्सनट्रेटेड होती गई ड्यू टू तो प्रेशर फ्रॉम इंक्रीज पॉपुलेशन एक्जाम्पल फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट जैसे पहले के टाइम पे या प्रमेटिव सोसाइटीज़ में हम देखते हैं हंटिंग गैदरिंग की जाती थी लेकिन अब एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स किए जाते हैं Second point.

अब दरखाइम अगर डिवीजन ऑफ लेबर कर पढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में कुछ तो क्वेश्चंस रहे होंगे तो वो क्वेश्चंस क्या थे लेट्स सी द फंडामेंटल क्वेश्चन जो दर्खाइम के माइंड में आता है वो था व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर फॉर सोशल सॉलिडरिटी अगर हम सोशल सॉलिडरिटी पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे डिवीजन ऑफ लेबर के सॉलिडारिटी जो था वो फीचर है एक सोसाइटी का वाइल प्रोडक्टिविटी इज इकोनॉमिक सोलिडारिटी जो है पूरी सोसाइटी का एक फीचर है अगर हम वही बात करें प्रोडक्टिविटी की तो वो एक इकोनॉमिक फीचर है वो बताते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंडिविजुअल जो है, वो भी ऑटोनॉमस बन जाते थे वो सिर्फ खुद पर ध्यान देते थे बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन इंडिविजुअल बी मोर सॉलिडी एंड येट इंडिविजुअलिस्टिक एट द सेम टाइम वो जानना चाहते थे कि एक इंसान अगर इंडिविजुअलिस्टिक हो भी रहा है तो साथ साथ उसको कैसे सॉलिडारिटी के साथ फील किया जाए मीन्स किस तरीके से उनमें यूनिटी लाई जाए म्यूचुअल सपोर्ट किस तरीके से लाया जाए अ चेंज इन डिविजन ऑफ लेबर उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि किस तरीके से या क्या कारण है डिविजन ऑफ लेबर के अगर सोसाइटीज बेस्ड ऑन हाई डिविजन ऑफ लेबर अगर ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें हाई डिविजन ऑफ लेबर्स हैं, अगर उनमें ज्यादा सॉलिडेरिटी है तो व्हाई डू प्रेजेंट डे सोसाइटीज हैव सो मच एंड डिसऑर्गेनाइजेशन अगर सोसाइटीज मैंने आपको सोलिडारिटी का मतलब बताया कि सोलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी या फिर ऐसे म्यूचुअल सपोर्ट विद इन अ ग्रुप या कॉमन इंटरेस्ट तो वो ये जानना चाहते थे कि अगर आज के टाइम पे हमें सोलिडारिटी देखने को मिलती है

पता किए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है या पूछा भी जाएगा इसके बाद भी कि आपको तीन ऑप्शन दे दिए जाएंगे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन सा है या कौन सा नहीं है तो पहला था एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर अगर हम एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ रेगुलेशन रेगुलेशन का ना होना सोसाइटी में या कम होना सेकेंड है फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर जहाँ पे जो नॉर्म्स होते हैं वो अनजस्ट होते हैं यानी कि जस्टिफाइबल नहीं होते हैं लास्ट वन इज लैक ऑफ सोशल जैसा कि मैं आपको लास्ट के दो लेक्चर्स में बता चुकी हूं अगर कोई भी थिंकर कोई कॉन्सेप्ट देता है तो वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां रह है जाती हैं इसलिए बाकी थिंकर उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो डर्खाइम के डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया डेविड लॉकवुड ने क्या बोल करके क्रिटिसाइज किया उन्होंने का मानना था कि हिज स्टडी मेंशंस द लैक ऑफ क्लैरिटी इन डर्खाइम्स आइडिया बिटवीन लेवल ऑफ इंटीग्रेशन जो उन्होंने इंटीग्रेशन के लेवल्स बताए थे उनमें उनकी क्लैरिटी नहीं दी गई है कार्ल मार्क्स मैक्स वेबर हर्बर्ट मार्क्यूज इन्होंने बोला कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्क जो उनका प्रोसेस है या स्टेट है वो ब्रोकन इंटू फ्रेगमेंट्स है यानी कि स्कैटर्ड है स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ है आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो मैंने इसमें दो तीन पी वाई क्यूज भी इंक्लूड करे हैं जिससे आपको क्वेश्चंस को ये टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजी रहे आपको याद हो जाए और ना हो या कोई डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं

Next question like contribution of social division of labor has been discussed in depth by option A, Emile Durkheim, option B, Max Weber, C, Karl Marx, D, V. Pareto. So the answer of this question is हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे सोशल डिविजन ऑफ लेबर अगर खाली डिविजन ऑफ लेबर देकर के एडम स्मिथ ऑप्शन में दे दिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा एडम स्मिथ ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू

ऑप्शन सी डिफरेंसेस हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस हाई मोरल डेंसिटी रेस्टिट्यूटिव सैंक्शन लो वॉल्यूम ऑफ कलेक्टिव ऑप्शन डी इज इंटरडिपेंडेंस हाई मोरल डेंसिटी रिप्रेसिव सेंक्शन लो वॉल्यूम ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मैं इसका फर्स्ट कमेंट जिसका आंसर आएगा उसको पिन करूंगी ओके आई होप दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर टू एवरी वन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू प्लीज टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ